नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर बात की गई। चुनाव आयोग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी दलों ने उनसे समय पर चुनाव कराने की मांग की है, मतलब कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन की वजह से चुनाव शायद अब ना टाला जाए। बता दें कि अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर शामिल है। लखनऊ में हुए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील चंद्रा ने उन सुझावों के बारे में भी बताया जो राजनीतिक दलों की तरफ से उनको मिले हैं। इस दौरान क्या खास बातें रही चुनाव आयोग की, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। तो मतदाताओं की शिकायत का निस्तारण होगा, 400 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, इसकी जानकारी मिल रही है। और इसके अलावा भी तमाम बातें हैं जो आज रखी गई हैं। अन्य आईडी कार्ड पर भी वोट डालने की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा बुजुर्ग वोटर को घर से मतदान की सुविधा, हर क्षेत्र में आदर्श पोलिंग बूथ होंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। यानी कि जो भी क्षेत्र है वहां पर एक आदर्श पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। 800 पोलिंग बूथ पर सिर्फ महिला कर्मचारी होगी। इसके अलावा सभी बूथ पर ईवीएम मशीन लगाई जाएंगी। लिस्ट आने के बाद भी नए नाम जोड़े जा सकेंगे, बहुत सहूलियत इस बार दी जा रही है चुनावों के मद्देनजर। 1250 वोटर पर एक बूथ बनाया जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। हमारा ये उद्देश्य है कि ये पूरा इलेक्शन इंड्यूसमेंट फ्री और प्रलोभन फ्री हो। इसके लिए उनकी बहुत ही एक मीटिंग ली गई जिसमें उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह का भी प्रलोभन और किसी तरह का भी एक्साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मादक पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री वीज डिस्ट्रीब्यूशन किसी तरह से भी ना हो पाए। और उनसे उसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा की गई। आयोग ने उसके उपरांत जो हमारे नोडल ऑफिसर्स होते हैं पुलिस के और हमारे सीओ के साथ भी विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। और उसके बाद जो सबसे आखिर में जो जितने भी कंसर्न्स थे हमारे, तो मुख्य सचिव, डीजी पुलिस, हेल्थ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी तथा अन्य सेक्रेटरीज के साथ अभी मीटिंग की है यहाँ पे आने से पहले। जो राजनीतिक दलों ने जो विभिन्न बिंदु उठाए गए थे उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की, साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशन को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शुभम पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, आज चुनाव आयोग ने खास प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चुनाव आयोग की तरफ से बता दिया गया है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों के बीच भी कहीं ना कहीं उन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। एक पूरी लिस्ट जो है वो तैयार कर ली गई है। क्या समझे हम कि 2022 में अब चुनाव होने तय हैं? कार्यकाल समाप्त हो चुनाव होना चलिए ठीक है शुभम, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की जा चुकी हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने ये कहा है कि तमाम जो दल हैं उनसे हमारी बातचीत हो चुकी है, उन्होंने 2022 की शुरुआत में चुनाव कराने को लेकर
कहा है कि चुनाव होने चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा समय हम लेंगे उतनी ज्यादा आगे परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस दौरान चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। देखिए, इसमें एक खास बात यह है कि मतदाताओं की शिकायतों का निस्तारण तुरंत होगा, 400 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, अन्य आईडी कार्ड पर भी वोट डालने की सुविधा होगी, यानी कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड या तमाम अन्य जो कार्ड है उनसे वोट डाल सकते हैं। बुजुर्ग वोटर को घर से मतदान की सुविधा होगी। हर क्षेत्र में आदर्श पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। 800 पोलिंग बूथ पर सिर्फ महिला कर्मचारी ही होंगी। सभी बूथ पर ईवीएम मशीन लगाई जाएगी। लिस्ट आने के बाद भी नए नाम जोड़े जा सकते हैं, यानी कि अगर पहले ही लिस्ट आ चुकी है और आप जा चुके हैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए, अगर आपका नाम नहीं है तो नया नाम आपका तुरंत के तुरंत जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा 1250 वोटर पर एक बूथ बनाया जाएगा। ये जो फैसला लिया गया है वो कोरोना के मद्देनजर लिया गया है कि 1250 वोटर ही एक बूथ पर होगा, इससे ज्यादा वोटर अलाउ